हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम कवर कर रहे हैं। आज बात करेंगे वर्नन की हायरार्किकल थियोरी। इससे पहले हम गिलफर्ड, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, सारी चीजों की बात कर चुके हैं। आठवीं थियोरी है ये हमारी, अगर आपने नहीं देखी है बाकी थियोरीज तो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहां पे भी एग्जाम में आपके सिलेबस में मेंशन हो। तो जहां भी इंटेलिजेंस मेंशन है, चाहे वो डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे वो आपका कोई भी टेट, सुपर टेट, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में टीचिंग के अगर इंटेलिजेंस मेंशन है तो ये सारी थियोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइएगा। ओके, सो वर्नन की हायरार्किकल थियोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ बड़ी हाईफाई थियोरी नहीं है, बट है, इंपॉर्टेंट है, नाम है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो वर्नन जो है उनका वो एक डिस्क्रिप्शन माना जाता है, इनके जो इंटेलिजेंस का डिस्क्रिप्शन था कि ये दो एक्सट्रीम थियरीज के गैप को फिल कर सकते हैं, मतलब मे फिल द गैप्स। ओके, और वो दो थियरीज कौन सी है? एक है टू फैक्टर थियरी ऑफ स्पीयरमैन, जिन्होंने बात की थी जी और एस फैक्टर की, विच डिड नॉट अलाउ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप फैक्टर, ऑल्दो बाद में जाके ग्रुप्स इंक्लूड हुए थे, बट मेजरली टू फैक्टर ही मान के चलते हैं हम स्पीयरमैन की थियरी को। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल फैक्टर थियरी थी थर्स्टन की, तो थर्स्टन की ऑल्दो प्राइमरी एबिलिटीज वाली थियरी, मेंटल एबिलिटीज वाली थियरी हमने की थी, उसी थियरी को कई बार मल्टीपल फैक्टर थियरी ऑफ थर्स्टन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ग्रुप फैक्टर की बात हो रही है। ओके, तो उसमें भी हमने देखा था कि वो जी फैक्टर को अलाउ नहीं करते और रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये जो जी फैक्टर एस फैक्टर को रिकॉग्नाइज करने वाले स्पीयरमैन हैं और जी फैक्टर को रिमूव करने वाले या रिकॉग्नाइज ना करने वाले थर्स्टन हैं, उनके बीच में एक गैप जो आ गया वो फिल कर रहे हैं वर्नन अपनी हायरार्किकल थियरी से। ओके, क्या है इनकी हायरार्किकल थियरी में, ये आपको दिख रहा होगा, ये जनरल फैक्टर है जी, कैपिटल जी। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है ना वो जी है, जनरल इंटेलिजेंस, जो कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएंस है इंडिविजुअल के बीच में, जो कि स्पीयरमैन ने दिया है कि भाई जी फैक्टर एक जनरल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, तो एक ओवरऑल फैक्टर जो है वो हम इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, बट एक सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा वो जी फैक्टर है, सबसे मेजर फैक्टर। ओके, कि एक जनरल, ये कहना चाह रहे हैं कि एक जनरल इंटेलिजेंस सब में एग्जिस्ट करती है, थोड़ी थोड़ी कॉमन। ठीक है, तो वो जनरल हो गई। अब जनरल को ये डिवाइड कर रहे हैं दो फैक्टर्स में, एक वीईडी और एक केएम। तो जो वीईडी है, मतलब इस जी जो था हमारा, जी को हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट सेकंड लेवल में दो मेजर फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, एक वीईडी और एक केएम। वीईडी का मतलब क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद वर्बल, न्यूमेरिकल एंड एजुकेशनल एबिलिटीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वीईडी में क्या आती हैं। सो इसके अंदर क्या आ गई? वर्बल, न्यूमेरिकल और एजुकेशनल एबिलिटीज आ गई। और जो के एम है उसमें क्या आ गई? प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पैटियल और फिजिकल एबिलिटीज। अब इनका वी से तो देखा जाए तो ठीक है, हमारा ये वी से वर्बल बन गया और ई डी से एजुकेशनल बन गया, बट न्यूमेरिकल कहाँ गया पता नहीं, क्यों नाम रखा है ये इसका। और के एम जो है उसमें ये चार चीजें हैं, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पैटियल और फिजिकल एबिलिटीज। ओके, तो ये नाम क्यों है के एम या वीईडी? वीईडी का तो हम फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं, बट के एम क्यों है आई डोंट नो, और मुझे किसी बुक में ऐसा कुछ इसका मिला भी नहीं। बस मोटे तौर पे सिर्फ ये है कि ये कैसे हायरार्की बनाने की ट्राई कर रहे हैं और इंटेलिजेंस कैसे हायरार्की में काम करता है वो वर्नन ने उसका वर्णन किया है। ओके, सो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, कि पहले जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम दो मेजर फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वन मेजर फैक्टर ग्रुप फैक्टर, तो ये ग्रुप फैक्टर में यहाँ पे वीईडी जो ग्रुप है उसमें इंक्लूडेड रहेगा वर्बल, न्यूमेरिकल, एजुकेशनल एबिलिटीज, और केएम में इंक्लूडेड रहेगा प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पैटियल और फिजिकल एबिलिटीज। अब अगले लेवल में हम इनको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ये जो दो मेजर फैक्टर्स हमने पढ़े हैं इनको भी हम माइनर ग्रुप फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उनको फर्दर स्पेसिफिक फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमने जनरल को भी तवज्जो दे दी, हमने स्पेसिफिक को भी दे दी और हमने ग्रुप फैक्टर्स को भी तवज्जो दे दी यहाँ पे। विच मीन्स स्पीयरमैन ने सिर्फ दो की बात की थी कि जनरल और स्पेसिफिक दो ही फैक्टर्स होते हैं, ग्रुप फैक्टर्स नहीं होते हैं। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर की बात की थी लेकिन यहाँ पे, और उन्होंने बोला था कि जनरल नहीं होता, बट यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें समझा दी कि भाई जनरल भी होता है, उसको फिर हम मेजर ग्रुप फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। और जब बहुत ज्यादा डीप में जाते जाएंगे फैक्टर्स में डिवाइड करते हुए तो स्पेसिफिक फैक्टर्स भी आएंगे, कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज की बात भी आएगी।
ओके सो ये जो है कॉन्टिन्यूटी में आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए. मेजरली ऑब्वियसली फैक्टर्स तो है हायरार्की में हमें पता ही है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि ये चाहे वीईडी और केएम में डिवाइड कर रहे हैं और इनमें ये किस चीज से कंसर्न है कि अच्छा वी है तो वर्बल है, एजुकेशनल है, न्यूमेरिकल है, तो ये पता होना चाहिए आपको. ओके सो जब 1969 में वर्नन ने शुरू की थी ना ये चीजें, तो उन्होंने इंक्रीज मतलब धीरे धीरे जब आगे काम किया तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन एनवायरमेंट का और जेनेटिक फैक्टर्स का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उसके ऊपर भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. ओके सो वर्नन ने कंटिन्यू किया अपने इस काम को और एनालाइज करना कि जीन्स का और एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है. हम यूजुअली बात करते हैं ना कि हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये दोनों ही इन्फ्लुएंस डालते हैं. ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगी और एनवायरमेंटल कम डालेगा, हम इक्वली लेके चलते हैं दोनों फैक्टर्स को. ठीक है सो इन्होंने सारी चीजों की स्टडी की कि जीन्स और एनवायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल पे और ग्रुप पे, ग्रुप डिफरेंसेस इंटेलिजेंस में क्या क्या रोल प्ले रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, वो देखा इन्होंने. और वो देखने के बाद इन्होंने कंक्लूड किया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं किसी भी इंटेलिजेंस में वो अप्रोक्सीमेटली 60% एट्रिब्यूटेबल है जेनेटिक फैक्टर की और बाकी बचा हुआ 40% ये किसको बोल रहे हैं, एनवायरमेंट को. तो इन्होंने हेरिडिटी को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि जो भी इंटेलिजेंस के बारे में जो हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कि अलग अलग लोगों में जो इंटेलिजेंस अलग अलग होती है सो वो अप्रोक्सीमेटली 60% एट्रीब्यूट होता है जेनेटिक फैक्टर्स का. एंड देयर इज सम एविडेंस इंप्लीकेटिंग जीन्स इन रेशियल ग्रुप डिफरेंसेज इन एवरेज लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी. सो इन्होंने ओवरऑल यही बताया कि 60% हेरिडिटी रहेगी, जीन फैक्टर जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो मेजर पोर्शन में रहेगा. ठीक है सो ये एक एक और एस्पेक्ट है इनका. अदरवाइज आपको वर्नन ने ये हायरार्कल थियरी वर्नन ने दी है ये याद रखना है पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब ये जनरल फैक्टर को, अच्छा ये भी याद रखना है कि ये किस किस के बीच में ब्रिज को जो है गैप को ब्रिज कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं, तो स्पेयरमैन की थियरी और थर्स्टन की थियरी के बीच में ये जो है कहीं लाए करेंगे. अच्छा थर्ड जो है आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो मेजर जनरल फैक्टर था उसको वीईडी और केएम और उनका मतलब क्या है. ठीक है जी सो आई होप आपको वर्नन की हायरार्कल थियरी समझ आई हो. फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज.